तो बताइए भाई कि मोमोज खाना कौन कौन पसंद करता है। एक चीज़ तो क्लियर है कि मोमोज देखकर आपके मुंह में पानी ज़रूर आ रहा होगा। अब खाना तो हर कोई पसंद करता है, और पसंद करे भी क्यों ना, क्योंकि इसका स्वाद ही ऐसा होता है जिसे तो हम खुद ही इतना पसंद करते हैं। अब खाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन जब बात आती है इसको बनाने की तो इसमें हर कोई पीछे रह जाता है, क्योंकि मोमोज तैयार करने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मेरे भाई, हमारे रहते हुए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मोमोज तैयार करने के लिए हम ऐसी इंजीनियस मशीन लेकर आए हैं जो कि बस कुछ ही मिनटों में आपके मनपसंद मोमोज बनाकर तैयार कर देती हैं। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस उठाइए और खाना शुरू कर दीजिए। इसके साथ ही में हमारे भाई जो कि मोमोज या फिर होटल का बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए हम आटा गूंथने, बंद गोभी काटने और मोमोज तैयार करने के लिए एक से बढ़कर एक एडवांस मशीन लेकर आए हैं। वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि आज की हमारी ये वीडियो काफ़ी स्पेशल है, जो कि आपके नॉलेज के साथ बिजनेस को भी 4 गुना स्पीड देने वाली है। लेकिन मेरे भाई, उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आप हमसे जुड़े रहें और आप तक हमेशा ऐसी ही धमाकेदार वीडियोस पहुंचती रहें। मोमोज बनाने की प्रोसेस में सबसे पहले मैदे का आटा गूंथा जाता है। छोटे लेवल में इस काम को हाथों से ही करते हैं, लेकिन जब बात आती है बड़े होटल में बिजनेस लेवल की तो हाथों से गूंथना मुश्किल हो जाता है। इस काम को आसान करने के लिए हम यह फ्लोर मिक्सिंग मशीन लेकर आए हैं, जो कि आटा गूंथने के लिए बहुत ही फास्ट वर्क करती है। इस मशीन में मैदा, नमक और रिफाइंड तेल डालकर ऑन कर दीजिए। उसके बाद यह मशीन बहुत ही बेहतरीन तरीके से आटा गूंथना शुरू कर देती है। एक्चुअली इस मशीन के अंदर स्पाइरल मिक्सर लगा होता है, जो कि अच्छी तरीके से आटा मिक्स कर देता है। बहुत से लोग ये कमेंट करते हैं कि सर आप बड़ी मशीन दिखाते हैं, डेली यूज के लिए छोटी मशीन दिखाइए। तो आप सबके कहने पर ही हम यह बजाज की फ्लोर नीडिंग मशीन लेकर आए हैं। यह मशीन बिल्कुल एक मिक्सर की तरह है, इसमें आप आटा डालकर ऑन कर दीजिए, उसके बाद यह मशीन आटा गूंथना शुरू कर देती है। आप इस मशीन के इंजीनियर्स वर्क को देख सकते हैं। Then you close the lid of the flour that is required. So I'll add 200 ml of water. In 30 seconds almost it is done. Just 30 seconds and the video starts. अभी आप देख सकते हैं कि गूंथा हुआ आटा एकदम से रेडी हो चुका है। लेकिन मोमोज बनाने के लिए कैबेज की छोटे छोटे पीस में कटिंग करते हैं, और बहुत से कैबेज की कटिंग करने में वर्कर्स को बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम यह कैबेज कटिंग मशीन लेकर आए हैं, जो कि बस सेकेंडों में ही कटिंग कर देती है। इसमें सिर्फ कैबेज डालते जाइए, उसके बाद इस मशीन का कमाल देखिए। कैबेज डालते ही यह मशीन बस चुटकियों में इसके छोटे छोटे पीस कर देती है। दरअसल इस मशीन में शार्पी प्लेट लगा होता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से कटिंग करती है। इसके द्वारा आप सिर्फ कैबेज ही नहीं, गाजर के साथ बहुत सारी चीज़ें आसानी से काट सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि यह मशीन कितने बेहतरीन तरीके से गाजर काट रही है। यदि आप अपने बिजनेस स्टार्टअप के लिए किसी छोटे टूल की तलाश में हैं, तो उसका भी सलूशन है हमारे पास। आप इस छोटे टूल का यूज़ कर सकते हैं। यह काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज का है, इसे आप अपने हाथों से हैंडल करके कैबेज कटिंग कर सकते हैं। अब कैबेज तो कट चुका है, लेकिन मोमोज का मसाला बनाने के लिए प्याज और लहसुन की ज़रूरत पड़ती है।
प्याज काटने में सबसे बड़ी समस्या प्याज छीलने में होती है, क्योंकि छीलते समय आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। इसी चीज़ को आसान करने के लिए यह ऑनियन पिलर मशीन आ गई है। इस मशीन में सिर्फ प्याज डालकर ऑन कर दीजिए, उसके बाद यह मशीन बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्याज छीलकर रेडी कर देती है। यह मशीन प्याज छीलने के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करती है, जिससे कि पहले आपकी आंखों से जो आंसू निकलते थे वह अब नहीं निकलेंगे। यदि आप इन मशीनों का ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप हमें जीमेल ज़रूर करिए। अब मोमोज का मसाला तैयार करने के लिए बंद गोभी, गाजर, प्याज के साथ बाकी इन्ग्रीडियंट्स को डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। यह मसाला तैयार हो जाने के बाद आटा का बेलन करके इसमें मसाला भरकर मोमोज तैयार कर सकते हैं। छोटे लेवल में इन कामों को तो हाथों से ही करते हैं, लेकिन बड़े होटलों में बहुत सारे मोमोज की मांग होती है। अब हाथों से इतने सारे मोमोज को तैयार करना बहुत ही मुश्किल भरा काम हो जाता है, लेकिन आपके इस मुश्किल भरे काम को आसान करने के लिए हम यह मोमोज मेकिंग मशीन लेकर आए हैं। इस मशीन में सिर्फ गूंथा हुआ मैदे का आटा और मसाला को डालना होता है, उसके बाद यह मशीन फटाफट एक लाइन से मोमोज निकालना शुरू कर देती है। अभी आप देख सकते हैं कि कैसे यह मशीन इतने शानदार तरीके से मोमोज बना रही है। इस मशीन के यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से मोमोज बना सकते हैं, क्योंकि यह मशीन एक घंटे में 1000 से 2000 तक मोमोज तैयार कर सकती है, जो कि मोमोज के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अब काम सिर्फ बचता है इसको स्टीम करने का। स्टीम करने के बाद तैयार है आपके लिए एकदम गर्मा गर्म मोमोज। तो फिर अब बाकी क्या है, तुरंत उठाइए और खाना शुरू कर दीजिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी घर में बनाइएगा तो हमें नहीं भूलिएगा, इन्वाइट करिएगा, फिर मिलकर खाएंगे, क्यों। यह मशीन आपके होटल बिजनेस के लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगी। इससे वर्कर्स को मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और प्रोडक्शन भी 4 गुनी स्पीड में होगा। मेरे भाई, आपके लिए इन सभी मशीन वीडियोस को तैयार करने में हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। इन सभी मशीनों में से सबसे बेहतरीन मशीन आपको कौन सी लगी? अब देखिए, वीडियो पसंद आ ही गई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आप हमसे जुड़े रहें और आप तक हमेशा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँचती रहें। स्क्रीन में आपको दो और वीडियो दिख रही हैं, जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हैं। इन्हें आप ज़रूर देखिए।